नमस्कार, अभिव्यक्ति में आपका स्वागत है। अपने इस खास कल्चरल बुलेटिन में इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं, रंगमंच की राह नहीं है आसान। बड़े आयोजनों के लिए करोड़ों का बजट, पर रंगकर्मियों और संस्थाओं का हाल बेहाल। आखिर क्या है नाटकों का अर्थशास्त्र? हमारा कश्मीर हुआ बेगाना, टुकड़े टुकड़े करके 5000 साल के इतिहास को नहीं बदल सकते, कहते हैं जाने माने रंगकर्मी एमके रैना। और साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की झलक अपने खास सेगमेंट परिक्रमा में। इस बार अपनी कवर स्टोरी में हम बात करते हैं नाटकों के अर्थशास्त्र की। रंगमंच को आमतौर पर सिनेमा में पहुंचने का एक जरिया माना जाता है, लेकिन रंगमंच की अपनी एक अलग दुनिया है। किसी नाटक को तैयार करने में कितना वक्त लगता है, कितने पैसे खर्च होते हैं और कितनी मेहनत लगती है, ये समझने के लिए इसके अर्थशास्त्र को जानना ज़रूरी है। ये किसी फिल्म का सेट नहीं और ना ही ये किसी छोटी मोटी नाट्य संस्था का शो है। आमतौर पर दिल्ली, मुंबई और महानगरों में हर साल ऐसे कई बड़े आयोजन होते हैं। जिससे लगता है कि इस फिल्मी जमाने में तकनीक के बदलते दौर में नाटकों की दुनिया अछूती नहीं है। इन बड़े और महंगे से दिखने वाले महोत्सवों का बजट करोड़ों में होता है और संस्कृति मंत्रालय, संगीत नाटक एकेडमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसे संस्थान या कोई बड़ा कॉरपोरेट घराना इनके जरिए ये बताने की कोशिश करता है कि देखिए नाटकों के लिए, कलाकारों के लिए और संस्कृति के लिए कितना कुछ किया जा रहा है। लेकिन इससे कलाकारों को सचमुच कोई फायदा होता है या उनकी हालत वैसी की वैसी रह जाती है? उसके बाद उस संस्था, उस अभिनेता, उस निर्देशन का क्या होता है? बेयर मिनिमम थर्ड क्लास में उसको ट्रेवल करना है और थर्ड क्लास में वापस आना है। एक दिन शो करेगा, दूसरे दिन वो रुक नहीं सकता, हुआ दूसरा प्ले नहीं देख सकता, वापस आता है। तो इसमें करने में इंटरेस्ट किसका बनता है? करने वाले का। कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो दूर दराज इलाके में काम कर रही हैं, उनके कलाकार जब दिल्ली में आते हैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए, तो अपनी प्रस्तुति तो वो देते ही हैं, उनकी प्रस्तुतियों को दर्शक तो देखता ही है। उसके साथ साथ देश में कहाँ क्या काम हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या काम हो रहा है, एटलीस्ट कम से कम वो 3 दिन यहाँ रह करके अपनी प्रस्तुति के अतिरिक्त 4 या 5 अन्य नाटक देख लें। उसके साथ साथ उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आर्थिक मदद भी प्राप्त होती है। आमतौर पर अगर प्रोसीनियम थिएटर की बात करें तो किसी 1.5-2 घंटे के नाटक को तैयार करने में कई महीनों का वक्त लगता है। अगर प्रोफेशनल तरीके से कलाकारों को भुगतान किया जाए, रिहर्सल के लिए जगह ली जाए और कोई बड़ा ऑडिटोरियम बुक किया जाए तो औसतन 8 से 10 लाख का खर्च आता है। क्या कोई नाट्य संस्था इतना खर्च करने की स्थिति में होती है और फिर कलाकारों को क्या मिल पाता है? प्रायोजक जल्दी कोई मिलता नहीं तो फिर कैसे करते हैं हमारे रंगकर्मी नाटक? दरअसल छोटे शहरों का हाल और बुरा है, न ऑडिटोरियम है और न रिहर्सल के लिए जगह, और अगर सरकार को आप पसंद नहीं आ रहे तो वो मुसीबत अलग। छोटे शहरों में नाटक करने वाले रंगकर्मी इतने आतंकित हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं है, और जब समर्थ नहीं है तो दर्शकों के जेब से पैसे नहीं निकाल पा रहे। एक बेसिक जो जीवन का होता है, खाना खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, जीवन जीने के लिए जो बेसिक है, आदमी उससे ही बाहर नहीं निकल पा रहा है, रंगकर्मी उसमें ही फंसा जा रहा है, तो कैसे नाटक कर पाएगा? तो ये एक समस्या तो है कि सुविधाएं बोलने को तो बहुत सारी हैं, नियम कानून तो बहुत सारे होंगे, योजनाएं बहुत सारी होंगी, पर मिलती नहीं। तो आखिर कैसे चलता है नाटकों का अर्थशास्त्र? क्या इसलिए कलाकार फिल्मों या सीरियल्स की तरफ भाग जाते हैं और ज्यादातर महज शौकिया थिएटर ही कर पाते हैं? जाहिर है अगर नाटक करना है तो जुनून चाहिए, और जुनून है तो फिर पैसे की क्या परवाह।
लेकिन ऐसे चलता नहीं, सिर्फ जुनून से पेट कहाँ भरता है। इसलिए जरूरी है कि अपने देश में रंगमंच के लिए प्रोफेशनल तरीका अपनाया जाए। There is no living condition here. See the point is, विदेश में कैसे हो पा रहा है? सारा डेवलप जापान में भी, वहाँ पर अगर देश है, जैसे भारत देश है, भारत देश में नेशनल थिएटर होगा एक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी या जो संस्था। फिर दूसरा नेशनल थिएटर दूसरी लेवल का होता है, जो स्टेट का नेशनल थिएटर होता है। फिर उसके बाद आप शहर कस्बों में, कस्बों के अपने लेबोरेटरीज होती हैं। तो इट गोज़ डाउन डाउन डाउन, और उसको सारी फिलैंथ्रोपी वहीं जाती है, और वहाँ ना दखल गवर्नमेंट करती है कि आप ये नहीं कीजिए ये कीजिए, नथिंग। तेरा भाई टीवी पे आ रहा है, टीवी पे। आज बेशक रंगकर्मियों की संख्या बढ़ी हो, रंगकर्म करने वाले ग्रुप्स भी बढ़े हों, लेकिन सब के सब सरकारी या कॉरपोरेट मदद की बाट जोहते क्योंकि और कोई जरिया ही नहीं जिससे इस जुनून को, इस विधा को बचाया जा सके। पिछले चार दशकों से रंगमंच की दुनिया में बेहद सक्रिय रहे एमके रैना कई चुनिंदा फिल्मों में काम भी कर चुके हैं। एमके रैना वो शख्सियत हैं जिन्हें देश के राजनीतिक हालात बेहद विचलित करते हैं। कश्मीर से आने वाले इस रंगकर्मी की अपनी चिंताएं हैं। हमने बात की एमके रैना से अपने खास सेगमेंट बात मुलाकात में। बात मुलाकात की हमारे इस खास सेगमेंट में इस बार हमारे साथ हैं मशहूर रंगकर्मी और अभिनेता एमके रैना साहब। एमके रैना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके रंगमंच के सफ़र से, क्योंकि आज थिएटर की जो स्थिति है और आपने जब शुरू किया, चार से ज़्यादा दशक हो गए, तब से अब में आपने क्या क्या फ़र्क देखा इसमें? कोई फ़र्क नहीं। सरकारी इदारे थोड़े से बने, कुछ स्कूल बने जो अध कचरे अध मरे हुए हैं, उनमें भी फंडिंग कोई ख़ास अच्छी नहीं है। डिपार्टमेंट्स में कोई कहीं पर एक दो डिपार्टमेंट अच्छे चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ अच्छा पढ़ाया जाता है, लेकिन अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चरली, इकोनॉमिकली, अपॉर्चुनिटीज वाइज स्थिति वही है। अब मैं श्रीनगर से हूँ जी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब भी मैं नाटक करता था। बहुत बड़ा काम हुआ था कि 62 में यहाँ कुछ ऐसा वहाँ पर टैगोर थिएटर बना, वही आज तक है। दो बार जल गया, किसी तरह से वो चल रहा है, उसमें लाइटिंग कहीं से हो पाई तो हो पाई। जम्मू में हमारा एक वैसे ही चल रहा है। थिएटर वाले को क्या चाहिए? रिहर्सल की जगह चाहिए और परफॉर्म करने की जगह चाहिए। रिहर्सल की जगह पर वो आपको मंडी हो जाके आपको पार्क में मिलेंगे, वो लड़के करते हो, और कुछ लोगों को थोड़ा सा कहीं कहीं थोड़ा जगह में दिख रही स्कूल में कहीं, दैट इज़ नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर। वो ऐसा है कि आप खुद ही कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, जो भी करते हैं, आपको शौक है, आपको अंदर दिल चाहता है कि मैं करूं, आप चाहते हैं कुछ कहने के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है उस तरह का। मैं स्टेट को ही हमेशा नहीं देखता, मैं स्टेट ही कर रही है आपकी, लेकिन जैसे कोई लोग होते हैं ना कि कुछ अच्छे वॉलेंट्री काम करते हैं, प्रोवाइड कर, शहर के अच्छे मौजूद लोग जो जिनमें ताकत होती है, धन होता है, वो शहर के लिए कुछ करते हैं। अब क्या हुआ, ऑन द कॉन्ट्ररी, हर थिएटर में जो भी यहाँ है उसमें एक बिजनेस का एक इंटरेस्ट है कि इसमें पैसे बन सकते हैं। तो आप उसका नतीजा ही देखिए, अगर दिल्ली में देखें, कहीं भी जाइए, ऑर्डिनरी थिएटर का कीमत जो पहले 10,000 लेते हैं, आज करते हैं 1,00,000 रुपया, 75,000 रुपया। और जब आप थिएटर देखते हैं, वहाँ पर कोई नई चीज़ उन्होंने नहीं की होती है, कहें कि नई लाइटें, तूफान मचाया, स्टाफ अच्छा बनाया है, ट्रेंड स्टाफ, कुछ नहीं होता। आपको अपना ही सब कुछ लाना पड़ता है, इनफैक्ट एडिशनल लाइटें लानी पड़ती है, वो आपको लाइट तक हिलाने नहीं देते। तो स्थिति वैसी ही है ये। लेकिन एक चीज़ जो हुआ है वो ये हो गया, थिएटर सिर्फ एंटरटेनमेंट के बजाय उसका एक डेफिनेशन थोड़ा बदल गया। अब काफ़ी एनजीओज करने लगे हैं थिएटर, काफ़ी कॉलेजेस में थिएटर होने लगा है, तो वो अपने अपने जो उनके मुद्दे होते हैं उन पर वो करते हैं, वो काफ़ी चलता है। बट दैट इज़ वन एरिया, वो उसका भी मेड ईजी बन गया, कुंजी बन गए, और मैं तो ये कहूँगा कि वो एक एक किस्म का सोप ओपेरा ही बन गया, स्ट्रीट थिएटर। उसमें भी आप देखेंगे एक ही तरह का स्ट्रीट थिएटर सभी करते हैं, एक गोल में बैठते हैं, गोल में घूमते हैं, तालियां पीटते हैं, करते हैं। उसका ग्रामर, उसका व्याकरण क्रैक करने के लिए करने, जहाँ सफदर ने छोड़ा था, अब उसके भी 35 साल हुए, वही है। तो मुझे लगता है कि
एक बहस जो होनी चाहिए थिएटर के लिए वो भी एब्सेंट है। लेकिन अब तो रंगकर्मियों की संख्या बहुत बढ़ गई है और ऐसा लगता है जैसे कि कल्चरल एक्टिविस्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बावजूद इसके थिएटर को लेकर के लोगों में जो वो कॉन्शसनेस या जो इस आर्ट फॉर्म को लेकर के होना चाहिए वो नहीं है, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, एक्टिविस्ट थिएटर तो हमेशा होता था, इप्टा से आगे किसी ने नहीं किया काम, उतना इप्टा तो सारे देश में एक आंदोलन के रूप में था। मैं एक्टिविस्ट थिएटर से नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल थिएटर की बात करता हूँ जो हर समाज की हेल्थ की बात होती है, उधर आते आप देखते हैं। मुझे लगता है थिएटर का केक जो है देश का बहुत छोटा है और उस पर नोच खाने वाली स्थिति, छोटा होता है, ज़्यादा नहीं है, तो वो सफिशेंट नहीं है। सफिशेंट नहीं है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली जैसे शहर में या जो बड़े महानगर हैं, अक्सर हम सुनते हैं कि भाई बड़े बड़े नाट्य समारोह हो रहे हैं, कई कई दिनों तक चलने वाले थिएटर ओलंपियाड हो रहे हैं, लगता है जैसे कि कितना बड़ा थिएटर का एक पूरा संसार निकल करके चला आया है। बावजूद इसके आपको क्या लगता है कि इससे ये जो बड़े आयोजन होते हैं जिसमें सरकार अपने आप को ये साबित करती है कि देखिए हम थिएटर के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तो देखो मुझे उसके बारे में मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हो नहीं रहा है, उसके बाद उस संस्था उस अभिनेता उस निर्देशन का क्या होता है, बेयर मिनिमम थर्ड क्लास में उसको ट्रेवल करना है और थर्ड क्लास में वापस आना है, एक दिन शो करेंगे दूसरे दिन वो रुक नहीं सकता, हुआ दूसरा प्ले नहीं देख सकता, वापस आता है। तो इसमें करने में इंटरेस्ट किसका बनता है, करने वाले का। इसीलिए आप देखेंगे सरकारी संस्थाएं संगीत नाटक अकेडमियां और वगैरह वगैरह इसी पे लगे हुए, ये करना उन्हें लगता महत्वपूर्ण है। मेरा कहना है कि बीज कौन बोएगा, नए फूल कहाँ से गुराएंगे। लेकिन जो ये स्थिति है तो सरकार या कल्चरल मिनिस्ट्री फंडिंग तो बहुत करती है, अगर आप बजट्स में देखें तो कल्चर के लिए आर्ट के लिए या थिएटर के लिए भी उसमें फंडिंग के नाम पे तो काफ़ी पैसे दिए जाते हैं, तो क्या वो एक्चुअल जगह जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं? एक तो मेरे हिसाब से बहुत कम देती है हर संस्था को, आज के ज़माने में आपको 5 लाख रुपया देंगे वो प्रोडक्शन करने का, अगर देखें अब थिएटर में 2 दिन काम करने के 2 लाख आपके गए, 3 लाख में आपको करना है प्रोडक्शन, इसके लिए आप 2 महीने 1.5 महीने से कम काम नहीं करेंगे, इट इज़ इनएफिशिएंट। इसीलिए आप देखेंगे जितने अच्छे हमारे कलाकार हैं बॉम्बे जाते हैं, एवरी ईयर वी लूज बेस्ट एक्टर्स। आप इतने साल थिएटर आपने किया, फिल्में आपने कम से कम 30-40 तो की ही होंगी आराम से, तो दोनों तरफ आपने काम किया, आपको प्रोफेशनलिज्म कहाँ ज़्यादा लगता है? नहीं, जब हम थिएटर करते हैं हम प्रोफेशनली करते हैं, उसमें जो एमेच्योर भी आता है उसको भी पता है कि ये प्रोफेशनल तरीके से काम होगा, एंड यूनिफिक आई हैव सम मनी, जो मैं कमाता उधर से वही पे, मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता कि मैं उसको कुछ भी ना दूँ, वो अपने ट्रांसपोर्ट पर आए और करे शौक पूरा करे, वेल ही वॉन्ट्स बिकम अ प्रोफेशनल, एक डिग्निटी होती है ना, बेसिक डिग्निटी। दूसरा है कि मैं फिल्में जो करता हूँ वहाँ तो इट इज़ अ बिजनेस, वहाँ एवरी थिंग इज वर्क, इज अ प्रोड्यूसर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है, हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वी हैव नो प्रोड्यूसर्स। हाँ तो ये नहीं है, तो इसको देखते हुए आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है थिएटर का? आई डोंट थिंक वी हैव थिंकर्स ऑफ द फ्यूचर, आई डोंट थिंक। देखिए मैं आपको बता दूँ, बड़ा शिकायत लगेगा अजीब सा निराश वाला इंटरव्यू हो रहा है ये, कि जितने भी हमने 40-45 साल काम किया है सब लोग डिसीजन मेकिंग से अलग किए गए, जब ये पॉलिसीज बनते हमसे कोई पूछता ही नहीं, ये पता नहीं कौन बनाता क्या करता, भगवान जाने कहाँ होता है, सडनली ये आएगा तो यू विल सी मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन अप्लाई फॉर इट बिकॉज वी नो इट इज़ इनएडिक्वेट। दिल्ली में स्कीम बनेगी, यहाँ बनेगी स्कीम, शहर में नहीं जाएगी, एंड ऑल्सो आई थिंक स्टेट्स नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंटर की तरफ देखना तो ठीक है, वॉट आर स्टेट्स डूइंग इन कल्चर, अकेडमियाँ बनी है क्या करें, उनका स्टेटअप है देख लीजिए आप, उनका हाल क्या है, जहाँ वहाँ भी वहाँ थे आप क्या हो रहा है, वहाँ नौकरियाँ चलती, क्लर्कबाजी बहुत है, बाबूगिरी बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी चलती है, चिट्ठियाँ टाइम पे चलती हैं, लेकिन क्वालिटी के नाम पर अब क्या मिलता है उनको, कुछ नहीं मिलता है, देर इज़ नो प्लेटफॉर्म, देर इज़ नो प्लेस वेर यू कैन गो एंड डू इट। जब तक थिएटर को आप नहीं समझेंगे, ये बिल्कुल आपको एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि सोशल साइंस है, सेहत के लिए है, देश के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, मतलब इंसानों के लिए,
उसका एक ज़बरदस्त हिस्सा है ये, इट इज़ योर थिंक टैंक बन सकता है इससे। तब तक उसमें फिर आएगा थिएटर टीचर, आएगा राइटर, आएगा डायरेक्टर, आएगा एक्टर, साइंस एक्टर और डायरेक्टर तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए। और इसका जो आयाम विदेश में बढ़ा है, परफॉर्मेंस थियरीज बन रही हैं, यहाँ इतने लोगों ने काम किया, मुझे काफ़ी बोलते एक स्कॉलर मिले, तब तुम लोगों ने इतना काम किया उस पर कोई लिख ही नहीं रहा है सीरियस काम, बाकी तो ऐसे लिखते हैं टिप्पणी, कोई लिखना नहीं होता है सीरियस। मतलब आई हैव नॉट सीन अ सीरियस बुक ऑन हबीब तनवीर, ऑन अलकाजी, उत्पल दत्त में भी बंगाल में है, मुझे नहीं लगा ए सीरियस थियोरेटिकल स्टडी। फिर हमें उसने उस साल में ये प्ले किया था, उसमें ये किया, दैट इज रिपोर्टिंग, दैट इज नथिंग, वी डोंट हैव दैट, नाइदर देयर इज स्कॉलरशिप, नाइदर इज एकेडमिया इन इट, देयर इज ओनली अ परफॉर्मेंस। आप कश्मीर से आते हैं जी, कश्मीर की जो स्थिति है आपने बहुत करीब से देखा भी है, उसके लिए काफ़ी काम भी किया, अभी भी कर रहे हैं, जो फ़र्क आया है उसको आप कैसे देखते हैं कश्मीर में जो आम जनता है आज की के? देखिए जिस दिन ये हुआ मुझे कश्मीर जाना था, 5 तारीख को मैं वापस आया, उसके बाद क्योंकि वहाँ फौज उतरी थी शहर में वगैरह, 90s में भी ऐसी स्थिति हुई थी, नाकाबंदी बहुत कुछ, कम्युनिकेशन, तब मैं वहीं था, मैंने अपनी आंखों के सामने से देखा कि क्या हो रहा है। अब की बार ये था फ़ोन भी नहीं कर पा रहा हूँ, कि तब तो मोबाइल नहीं होता था, तब तो वो पुराने काले फ़ोन थे, तो महीना 1.5 महीने तो बात पता ही नहीं, किससे बात करूँ, क्या करूँ, कुछ पता नहीं चल रहा था, उड़ती कोई इधर उधर खबर मिलती थी, कुछ पता नहीं चल। लेकिन इफ़ यू आस्क मी पर्सनली एज अ कश्मीरी, आई एम वेरी सैड, यू हैव टेकन माई स्टेट अवे फ्रॉम मी, आपको ये हक न संविधान का दिया, न ही इथिकल हक है, हम इसको यूनियन टेरिटरी बनाने, हमारे पास 5,000 साल की टेक्सचुअल ये है, जिंदा है सब कुछ, परंपराएं जिंदा हैं, प्रैक्टिस जिंदा है, आप कैसे इस तरह से किसी भी प्रदेश को, आपके पास पॉलिटिकल सॉल्यूशन यही था क्या, कुंट यू डू समथिंग एल्स, और जिसमें कश्मीरी की भागीदारी है ही नहीं, आपने मेरे स्टेट को पीसेस में उड़ा दिया। हमें कश्मीरी पंडित हूँ, बिली में अभी कुछ पंडित अब धीरे धीरे समझ रहे हैं, अब हमारे लिए वापस जाना और मुश्किल है, सरकार प्लॉट भी देखी, रहेंगे कहाँ, रह सकते हैं आप वहाँ, जब चारों तरफ लोग देंगे ये तो तुमने तो ये करो, हमारा स्टेट को ऐसा किया, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, साइकी पे ज़बरदस्त असर है इसका, एंड पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। आप यहाँ कुछ भी कह दीजिए, ताकतवर हैं आप, आपके पास फौज है, नॉट दैट कि जो वहाँ के लीडर हैं, आई गॉट ग्रेट थिंग्स टू टॉक अबाउट दम, स्थिति सब ने धीरे 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 30 साल में ऐसी पहुँचा है कि कोई विंडो तो छोड़ते, कोई नेगोशिएट करना है क्या, कुछ नहीं, किसी ने किया, लेकिन हम लोगों ने वहाँ एक प्ले किया था वेटिंग फॉर गोदो, कि कश्मीर गोदो का इंतज़ार कर रहा है, ये हमने किया कोई 10 साल पहले किया, तो उसको आज फिर से करना चाहिए, लेकिन आप मैंने जो प्ले किया लास्ट वो ज़्यादा रेलिवेंट है, कफन चोर। नहीं तो ऐसी स्थिति में कश्मीर का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ऐसी स्थिति में क्या हमारे रंगकर्मियों को या संस्कृति कर्मियों को मिल करके कुछ आवाज़ उठानी चाहिए? आर्टिस्टों ने उठाई, सबने पहले रंगकर्मी कभी नहीं उठाई, आज का रंगकर्मी बहुत मतलबी है, मुझे माफ़ करना है, जर वो अपने में इंटरेस्ट है, उसको देश में दाएं बाएं क्या होता नहीं पता, इस लाइक एन IIT स्टूडेंट, उसको अपना ही बस पढ़ना है, बाहर वो अखबार भी नहीं पढ़ता है, ये स्थिति जब आती है ना तो लगता है कि बाकी समाज सोया हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता देश के एक अंग में ऐसा कुछ हो रहा है। मिलकर सोचने की ज़रूरत है कि हमारे थिएटर की रिलेवेंस तो तभी होगी ना जब अपने समाज के बारे में सोचेंगे जी। मुझे लगता है आज का संकर्मी या तो डरा है या इतना सेल्फिश हो गया है, अवसरवादी हो गया, नहीं बोलना चाहता, ना कि उसको कोई करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा उसको, मगर है स्थिति है ऐसी। तो आने वाले टाइम में लगता है कि स्थिति कुछ बदलेगी? बदलेगी तो इसी, देखिए आपको समझ आई, मैं तो ये गांधी ने बहुत अच्छा कहा था अबाउट दिस यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में मरना तो इस मटीरियल कौन डिसअपीयर हो, बट यूनिवर्स की ये जो पार्टिकल्स हैं दे कीप ऑन क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, न्यू यूनिवर्सेस आर क्रिएटेड। आपको लगे कि आप हमको सील करेंगे इस देश को, नहीं कर सकते, इंदिरा गांधी ने ट्राई किया था, बहुत बार ये ट्राई हुआ है, इट डजंट वर्क, फाइनली टाइम लगेगा मुझे लगता है, चेंज लाना पड़ेगा, नहीं तो ये देश गया, लाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया
एमके हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। अभिव्यक्ति में अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की परिक्रमा। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काली ताज की, हर तरफ पसरा यहां इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अब आपको ले चलते हैं देश के अलग अलग शहरों में और दिखाते हैं वहाँ की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की झलकियाँ अपने खास सेगमेंट परिक्रमा में। भोपाल के संस्कृति प्रेमियों के लिए गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर के गीतों को सुनना और उन पर नृत्य की ये बेहतरीन प्रस्तुति देखना एक अनुभव से गुजरने जैसा था। पिछले दिनों रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी ने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और कला महोत्सव आयोजित करके संगीत और नृत्य के कई रंग पेश किए। महोत्सव का शुभारंभ किया मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश सरकार ने रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें मशहूर गायक और संगीतकार अमित त्रिवेदी ने अपने 11 साल के संगीत के सफर को बेहतरीन तरीके से पेश करके लोगों को झूमने को मजबूर कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल को गौंड आदिवासियों के सम्मान में मनाने का फैसला किया है। इस मौके पर मंच को गौंड महल की थीम पर तैयार किया गया था। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में ग्लोबल फ्यूजन कॉन्सर्ट जोग जैज का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान पंडित सलील भट्ट ने सात्विक वीणा पर अपनी शानदार प्रस्तुति से जादू जगाया तो जर्मन फनकार मैथ्यूस मूलर ने नए डिजाइन किए गिटार पर सुरों का सम्मोहन बिखेर श्रोताओं के दिलों को छू लिया। मध्य प्रदेश के इटारसी में 6 दिनों तक चले देशज कार्यक्रम में कला और संस्कृति के कई रंग देखने को मिले। संगीत नाटक अकादमी की देशज श्रृंखला के तहत कई शहरों से होते हुए अलग अलग कलाकारों की मंडलियों ने यहां अपने बेहद आकर्षक कार्यक्रम पेश किए। लोक कला, नृत्य और संगीत के इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने इसका आनंद उठाया। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जन सरोकारों के कवि वीरेन डंगवाल की याद में लगातार 4th साल वीरेनियत का आयोजन हुआ। इसका आगाज केंद्रीय विद्यालय पुष्प विहार की प्रतिभाशाली छात्राओं ने वीरेन जी की कविताओं से किया। क्या बना दिया? क्या से क्या? छिपकली को ही ले लो। कैसे पुरखों की बेटी छत पर उल्टा सरपट भागती, चलती। तुम्हारे ही बनाए अटूट नियम को।
मनीषा, लिशिका और यशी ने अपनी पसंद की कविताएं पढ़ी। कार्यक्रम में अनुपम कुमार ने एक औरत के अंतिम अकेलेपन की कथा सुनाई तो चंदन सिंह, निदा नवाज और नईम सरमद ने अपनी रचनाएं सुनाई। वहीं मनमोहन ने मौजूदा दौर के खतरे को विरेनियत के अंदाज में पेश किया। कवि, लेखक और पत्रकार अजय सिंह के सम्मान में गुलमोहर किताब दिल्ली की ओर से सोमवार 4 नवंबर को दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में उनका एकल कविता पाठ हुआ, जिसमें उन्होंने करीब एक घंटा अपनी नई पुरानी कविताएं सुनाई और फिर उस पर वहां मौजूद लोगों ने चर्चा की। चर्चा में मंगलेश डबराल, पंकज बिष्ट, प्रोफेसर हेमलता महेश्वर, सविता सिंह, लोकेश जैन आदि शामिल हुए। खौफ के माहौल में ही उस माहौल को तोड़ने के लिए सच्चाई का पक्षधर होना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस खौफ के माहौल में भी एक अच्छा खासा हिस्सा है जो सच्चाई और न्याय का पक्षधर है और वो सही बात को सही ढंग से कहने का समर्थक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस दौर में ये अगर इतना है तो यह भी कम नहीं है। इस मौके पर महेंद्र मिश्र, अखिलेश कुमार, धीरेश सैनी, विप्लव राही, अरीज सैयद, शोभा सिंह, विपिन चौधरी, आशुतोष कुमार, वंदना, राज वाल्मीकि, रविंद्र पटवाल, कृष्ण, श्रीराम शिरोमणि, सईद अयूब, सफाई कर्मचारी आंदोलन के संयोजक और रेमन मेक्स से अवार्ड विजेता बैजवाड़ा विल्सन और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे। लेता हूं उन हसीन आंखों को, सौ चिराग अंधेरे में झिलमिलाने लगते हैं। क्या आपने हिमांशु वाजपेयी की दास्तान गोई सुनी है? अगर नहीं सुनी तो लखनऊ में इप्टा की ओर से कैफी आजमी की याद में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें सुनिए। चांद क्या, सितारे क्या, फूल क्या, शगुफे क्या, चांद क्या, सितारे क्या, सब रकीब कदमों पे सर झुकाने लगते। हिमांशु ने बेहद दिलचस्प अंदाज में कैफी के जीवन के तमाम पहलुओं को अपने किस्सा गोई अंदाज में पेश कर सबको जमाने में पहुंचा दिया। गाने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं उजड़े उजड़े गुलशन में, प्यासी प्यासी धरती पर अब्र छाने लगते हैं। ललित कला अकादमी में जाने माने युवा कलाकार संतोष साहनी कुमार की एकल पेंटिंग प्रदर्शनी शुरू हुई। इसका उद्घाटन किया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के महानिदेशक अद्वैत गणनायक ने। निर्मल रतनलाल वैद, नवीन जग्गी समेत तमाम जाने माने लोग इस मौके पर मौजूद थे। अभिव्यक्ति में इस बार के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ और कुछ और गतिविधियों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।